ए भाई चिजगुड़े चलोगे ऐसा लगता है इनको सिखाते सिखाते मेरी मलयालम। अरे यार मलयालम मेरे को बोलना। अरे क्या बोलते हैं वो? एल्लावर्कुम नमस्कारम। मेरे भाई अपने को लिख के देना पड़ेगा एल्लावर्कुम नमस्कारम। चेंज ऐसे कार में करना पड़ता है, ऐसे कार में चेंज करो फिर जाओ। इंदू बड़ा मैदू बड़ा मैं दिल मोह लिया। ये केला ये ताड़ी फ्रूट जूस। आंख मत नीच क्योंकि हम जा रहे हैं स्नेह तीरम बीच। हाय क्या समंदर है। पप्पा मेरे हाथ में है कप्पा। ड्रेस पे लग गया ना तो दाग नहीं जाएगा। तो बहुत हो रही है मुझे यहाँ रुकने की, पर क्या करूँ पत्नी का मुंह याद आ जाता है। मैं रुक जाता हूँ आप निकल जाइए। पप्पा आपका पप्पू पास हो गया केबल कार में। वाह हेलीपैड तो चालू नहीं हुआ पर केबल कार में लटक गए हम लोग। मैं आशीष नमस्कारम। और भाई भाई बैलेंस तो बनाने दो। भैंस की टांग भगवान श्री राम इस स्थान पर आए थे। ये दूसरी हाउस बोट, ये 30 लाख तक की हो सकती हैं ये हाउस बोट। श्रद्धा की बात करूं तो मुझे आप देख रहे हैं मैंने अपना शर्ट निकाल रखा है और मुंड पहन रखा है। यहाँ पर एंट्री नहीं है, शर्ट नहीं पहनते हैं। यहाँ पर कैमरा अलाउड नहीं है। यहाँ पर मुंड और नहा करके बिल्कुल शुद्ध होकर के आना होता है। इतने घंटों का सफ़र के बाद मैं पहुँच गया हूँ गॉड्स ऑन स्टेट केरला। और उस गॉड्स ऑन स्टेट में एक छोटा सा प्यारा सा सुंदर सा गांव, और उस गांव में भरत टेम्पल। आपको पता ही होगा राजा भरत कौन थे, राम के छोटे भाई। और भारत में भरत का एक ही मंदिर है। जब ये मैंने सुना तो मैं अपने आप को रोक नहीं पाया। और जहाँ तक कि आप कलाकृतियों को देख रहे हैं, ये है मंदिर का प्रवेश द्वार। वो इतना खूबसूरत तरीके से बनाया गया था कि मैं उसे देख के स्तब्ध रह गया। मेरे पास कोई शब्द नहीं था। इतना विशाल प्रवेश द्वार राजा भरत के मंदिर का, सच में मंदिर के बाहर परिसर में पूरे दीपक लगे हुए हैं ये। और जब भी किसी की मन्नत होती है पूरे दीपक चारों तरफ घी से लगाए जाते हैं। या फिर कोई फेस्टिवल होता है तो घी से भरकर चारों तरफ पूरे मंदिर को सजाया जाता है। ये ट्रेडिशनल पूरा मेरे पीछे जो केले के पत्ते होते हैं ना उसको सुखा करके बनाया गया है। ये सारा सिनेमैटिक शॉट मैं आपको दूंगा। अच्छा ये जो तालाब है ऐसा नैसा चारों तरफ तालाब है। उस तरफ भी है, उस तरफ भी है, इस तरफ भी है, चारों तरफ उस तरफ भी है तालाब। और कहा कहा जाता है, मान्यता ये है कि इस सरोवर में जब भी मंदिर में दर्शन करना है तो इसमें स्नान करके शुद्ध होकर के आपको अंदर मंदिर में एंट्री मिलेगी, वरना नहीं। और ये जो बना रखा है ये पुजारी जी के लिए और ये आम पब्लिक के लिए। पुजारी जी के लिए कुछ अलग से था क्योंकि उनका शुद्ध होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो भगवान की पूजा करते हैं इसीलिए। और उस तरफ भी है। जहाँ तक कि मैं दीपक की बात करूँ तो दीपक मंदिर के चारों तरफ, इस सरोवर के चारों तरफ आप परिक्रमा भी कर सकते हैं और करनी भी चाहिए, ताकि इस परिक्रमा से आपके दर्शन सफल हो जाएं। कोई भी आए धूप में तो बहुत ज़्यादा गर्मी हो तो वहाँ पर बैठ भी सकते हैं, दर्शन भी कर सकते हैं। ये पटाखे छोड़ते हैं शाम के टाइम, कोई मान्यता होगी। अच्छा, इसकी हिस्ट्री ये है कि ये मंदिर भारत का जैन समुदाय ने बनाया था 5000 सालों पहले, और ये पूरा मंदिर का कैंपस है और भारत में सिर्फ एक है। आपने राम के मंदिर सुने होंगे, आपने शिव जी का मंदिर देखा होगा, आपने सरस्वती माँ का मंदिर देखा होगा, बहुत सारे टेम्पल्स का नाम सुना होगा, पर भारत में एक ही मंदिर है कूडल माणिक्यम टेम्पल, जो भरत के नाम से बना है। किसने बनाया? जैन समुदाय। क्योंकि यहाँ साउथ के जो भी टेम्पल हैं वो बहुत ही प्यारे और बहुत ही अच्छी तरह से बनाए गए होते हैं। और श्रद्धा की बात करूँ तो मुझे आप देख रहे हैं, मैंने अपना शर्ट निकाल रखा है और मुंड पहन रखा है। यहाँ पर एंट्री नहीं है, शर्ट नहीं पहनते हैं, यहाँ पर कैमरा अलाउड नहीं है, यहाँ पर मुंड और नहा करके बिल्कुल शुद्ध होकर के आना होता है। तो ये है गॉड्स ऑन स्टेट की सबसे बड़ी इम्पोर्टेंस। ब्लॉगर के लिए कितना चैलेंज हो सकता है। जिला है त्रिशूर और कैंपस बहुत बड़ा, आप आराम से पार्किंग कर सकते हैं, बहुत प्यारी पार्किंग है, कोई चार्जेस नहीं है यहाँ पर। उस तरफ भी पार्किंग कर सकते हैं, इस तरफ भी कर सकते हैं। और मेरे पीछे गणेश जी का, आप जानते हैं कि कोई भी काम पूरा करना हो या फिर कोई भी काम स्टार्ट करना हो और गणेश जी का नाम नहीं लें या गणेश जी के दर्शन नहीं करें तो हमारा काम सक्सेस कैसे हो पाएगा। तो गणेश जी के दर्शन कर लेते हैं। देखो यार, एक्चुअली साउथ में आया हूँ तो थोड़ा सा साउथ के नाम कठिन है, कभी कभी कोई प्रोनाउंसिएशन में गलती हो जाए तो कमेंट सेक्शन में आप बताना, क्योंकि आप भी घूमे होंगे। आशीष है मेरे साथ। आशीष उस प्यारे से गांव में जो भरत का टेंपल है, जो इंडिया में एक ही है, तो उसका नाम क्या है? इरिंजालाकुड़ा। इरिंजालाकुड़ा कुड़ा नाम थोड़ा कठिन है पर जल्दी से जल्दी आप सीख सकते हो, उसको ट्राई करना पड़ेगा वापस।